राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर नगर निगम में कैसे विजयी होना है ये मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को देने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में सीमापुरी विधानसभा स्थित नद नगरी वार्ड 220 में भारतीय जनता पार्टी के चर्चित उम्मीदवार कुमारी रिंकू के मुख्य चुनावी कार्यालय का शुभारम्भ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी के साथ नवनियुक्त नवीन सादरा जिलाध्यक्ष मनोज त्यागी, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष भारत माहौर के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कुमारी रिंकू ने सभी को साल व अंग वस्त्र उड़ा के सम्मान किया। साथ ही सांसद मनोज तिवारी को चांदी का मुकुट पहना के उनका सम्मान किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय जनता है। वहीं कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दुखी होकर लगभग 9 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, जिनको सांसद द्वारा पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और वार्ड 220 से नगर निगम की प्रत्याशी कुमारी रिंकू का, देखिए रिपोर्ट। नंद नगरी के निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिंकू के कार्यालय का उद्घाटन किया हमारे जिलाध्यक्ष जी मनोज त्यागी जी और हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो सोमपाल पांचाल जी हो, सचिन शर्मा जी हो, धर्मेंद्र भारद्वाज हो, सब भारत माहौर से लेके सब को यहाँ उपस्थित है। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है एमसीडी का, ये पुनः एमसीडी आत्मनिर्भर हो चुकी है। अब हम किसी सफाई कर्मचारी को वेतन के लिए धरना करने की नौबत नहीं आने देंगे। एमसीडी का शिक्षक हो, डॉक्टर हो, अब सभी को नियत समय पे अपना वेतन मिलेगा। और एमसीडी के थ्रू जो गलियां सड़कें हैं वो सब बजट हमारे देश के गृह मंत्री जी ने एमसीडी का यूनिफिकेशन करके अब हमें दिल्ली सरकार के कदमों तले नाक नहीं रगड़नी पड़ेगी। और इस नए उत्साह में, जबकि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है, वो लोग कोर्ट में बोलते हैं याददाश्त चली गई, जेल में मसाज कराते हैं, गवाहों को तोड़ने की योजना बनाते हैं, आज अरविंद केजरीवाल जी का जो चेहरा है वो पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। और दिल्ली के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है। कांग्रेस अपनी करनी से ऐसे ही 10 साल बहुत नुकसान कर दी एमसीडी को टुकड़े टुकड़े करके। अब भारतीय जनता पार्टी पुनः देश की राजधानी दिल्ली की सुविधा के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है। हम नंद नगरी से सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे, सारी शक्ति मिलाकर बहन रिंकू को भारी से भारी ओर से जिताएं और मनोज तिवारी के साथ साथ अमित शाह जी के इस प्रयास को सफल बनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजा है और वो भी एक जनरल सीट से मुझे बनाकर भेजा है। और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का कि जो इतना प्यार और सम्मान देती है। चुनावी बिगुल बज चुका है दिल्ली में और निगम के चुनाव सर पर हैं। आने वाली 4 तारीख को सब लोग मतदान करने वाले हैं और मैं मतलब एक प्रतिक्रिया होती है कि चुनाव कार्यालय, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बैठने की जगह होनी चाहिए, तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन हमारे सांसद मनोज तिवारी द्वारा किया गया। और आपने उत्साह देखा ही है कि कितना उत्साह है लोगों में और कितना जोश है लोगों में। ये जो आप कह रहे हैं, ये तो अभी जैसे मनोज भाई ने कहा कि ये तो बहुत कम संख्या है,
मगर जो बहुत सारे पर्दे के पीछे हैं जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और जो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले, अभी आप देखते रहिए कितनी बार ज्वाइनिंग होती है, और सब लोग प्रभावित है मोदी जी के काम से, हमारे काम से, तो चाहते हैं कि हर जगह भगवान लहराए और भारतीय जनता पार्टी इस बार नंद नगरी में कमल खिलाने वाली है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।